जी साहब से मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा जो दिक्कतें रात आई थी उसमें थोड़ा पहले से सुधार है, और निश्चित रूप से सभी हमारे जितने भी टीमें हैं, एजेंसीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम जी 15 दिन हो गए हैं अब तो, और ये हॉरिजॉन्टल का जो काम चल रहा था वो रुका हुआ है, एक एक पल जब इतना कीमती है तो ये समस्या है बहुत। देखिए यदि ऐसी स्थिति आएगी तो अन्य विकल्प भी विचार होगा। यानी कि कितना टाइम यहाँ पर लगेगा इस काम को? देखिए इसके इसमें टाइम बाउंड करना तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन ये मानिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 41 श्रमिक हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और उनसे भी बातचीत हुई है लगातार, वो भी ठीक हैं, सारे लोग अपने लिए जिस प्रकार से वो बातचीत कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उनका भी मनोबल बढ़े, और आप जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। सर जीपीआर का एनालिसिस मीटर का सब कुछ क्लियर है, वो सब गलत साबित हुआ सर, क्योंकि 3 मीटर तक पहुंचकर ही फिर से अवरोध आ गए। देखिए आप जानते हैं जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती को पार करना हमारे लिए एक बड़ी बात है, और सीधी सी बात एक और है कि ऐसी जगह पे ऐसी समस्या आना एक सामान्य बात भी कह सकते हैं, और उसके लिए हम तैयार भी हैं, और उसके अगले के लिए हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। सर दुनिया भर के एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, फिर ऐसी गलतियाँ क्यों हो रही हैं और क्या? देखिए अभी 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 गलती और एक्शन के बारे में विचार करना थोड़ा ठीक नहीं है। सर कब तक? मेरा कहना है कि पहली प्राथमिकता 41 मजदूरों को बाहर निकालने की है। जिस प्रकार से मेरी उनसे बातचीत हुई, आप कह सकते हैं कि उन्होंने खुद कहा कि आप मान के चलिए हम बिल्कुल ठीक हैं, और आप अपने अगर मशीन चलाया जाएगा अब ये सारे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अब एक एक सवाल कर सर, आप टनल के अंदर गए हैं, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है? देखिए मैंने कहा ना कि बहुत मेहनत हमारे यहाँ के विशेषज्ञ लोग, यहाँ की टीम सब कर रही है, और जिस मेहनत से और जो आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि कल हम लोग एक आश्वस्त है कि हम रात तक खुशखबरी ले लेंगे, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आई है, फिर भी हम कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हमें एक अच्छी खबर मिल सकती है। सर ऑगर मशीन की क्या स्थिति है? अधिकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खराब हो चुकी है, टूट चुकी है, लेकिन उसको निकाल रहे हैं, उसको निकालने के बाद फिर आगे की कार्य करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।